करते जो होता है कि लोगों को आपको पता है गायनी का मजाक भी बिल्कुल और लोगों को लगता है कि गायनी वाले तो काम शाम कोई नहीं करते हैं, शायद ऐसी बात नहीं है। सिर्फ एक लाइफ से दो लाइफ बनती है ना, एक जिंदगी आती है, तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा अच्छा फील्ड है कि इसमें देखिए कि खुशियाँ ज्यादा है और दुख कम कम है। फ्यूचर में क्या क्या प्लानिंग सोचती हैं? मेरा ये ख्याल है कि जो डॉक्टर है ना उसकी लर्निंग कभी खत्म, ये तो है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नगीना राशिद है और मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी जर्नी, उनकी हार्डवर्क आज मैं आप सबसे शेयर करना चाह रही थी। तो आज मैं आपको मिलवाती हूँ डॉक्टर साइमा जकी से। जी साइमा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह। बस साइमा, मैं चाहती थी कि सब लोगों तक वो सफ़र पहुंचे जो कि शायद आपने मेरे साथ तो शेयर किया हुआ है, और मैंने आपका वो जर्नी, आपका वो हार्डवर्क, आपकी डेडिकेशन को महसूस किया है, लेकिन मैं चाह रही थी कि सारे लोगों तक भी पहुंचे। तो ज़रा अपने बारे में बताइएगा, कैसे सफ़र शुरू हुआ? अच्छा नगीना, ऐसे है कि जैसे जब हम लोग का टाइम था, हम बच्चे थे जब, तो हमारे पास ना कोई ज़्यादा ऑप्शन जैसे अब तो बच्चे कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे फील्ड है, आईटी का फील्ड है, बहुत सारे फील्ड है, लोग इधर उधर चले जाते हैं क्योंकि बहुत चेंज आ गया। बिल्कुल ऐसे ही हमारा टाइम में हमें पता था यार लड़के जो है वो इंजीनियर बनते हैं, लड़कियां डॉक्टर बनती हैं, वो डॉक्टर ही बनती है। सही बात है। लेकिन ना बचपन से जो था ना मेरे, एक ये नहीं कि मुझे घर वालों की तरफ से प्रेशर था, लेकिन मेरे दिल में बहुत ज्यादा ये ख्वाहिश थी, मेरी भी और मेरी बड़ी बहन वो भी डॉक्टर है, हम दोनों के दिल में, उनकी भी दिल में बहुत ख्वाहिश थी। वो जाहिर है पहला मेरा रोल मॉडल भी थी, वो मेडिकल कॉलेज में चली गई और जो है उनको देखने के बाद मुझे ये था कि बस मैं या तो डॉक्टर बनूंगी या मर जाऊंगी। मतलब इस हद तक मुझे क्रेज था मेडिकल फील्ड का, यानी इस हद तक। और चूंकि हमारे बच्चे, हमारी तो कंस्ट्रक्शन भी नहीं होती थी ना हमारे दौर में, ये कंप्यूटर चीजें और सोशल मीडिया, तो हमारा काम सिर्फ पढ़ना होता था, बिल्कुल पढ़ाई थी बस। और उसके पीछे मैंने सारे फंक्शंस भी घर के छोड़ दिए और मिलना लाइफ को बिल्कुल नीचे रखा था। और उसके बाद साथ थे कि सिर्फ ये एम था कि जी मैंने तो बस डॉक्टर बने और ना बने तो बस जिंदगी में कुछ कुछ कमी रह जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरा एडमिशन हो गया इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में और मैंने फिर वहाँ से ग्रेजुएशन किया। अच्छा, उसके बाद फेलोशिप का कैसे सोचा? हाँ, फेलोशिप का ऐसे सोचा कि गायनी में आने का भी मजा हिस्सा जो है ना वो मेरा मजे का है। मैं जब मेडिकल कॉलेज में थी ना तो मुझे गायनी, जैसे सारे सब लोगों को गायनी नहीं मुश्किल लगती है, क्योंकि ये कोई मुश्किल काम भी है, थोड़ा ऐसा काम भी है जिसके जिसपे जो होता है कि लोगों को, आपको पता है ना गायनी का मजाक भी बिल्कुल है और लोगों को लगता है कि गायनी वाले तो काम शाम कोई नहीं करते हैं, शायद ऐसी बात नहीं है। तो ये एहसास मुझे हुआ जब मैंने गायनी में हाउस जॉब, मैंने मेरा तो गायनी में शायद हाउस जॉब का भी इरादा नहीं था, 6 महीने का हमारा हाउस जॉब था तब, अब चेंज हो गया, हम लोग 6 महीने का हाउस जॉब एक स्पेशलिटी में करते थे और 6 महीने का दूसरी में। तो मेरा तो इरादा था, मैंने मेडिसिन में करना था और मेरा था कि एक सर्जरी या कोई ऐसा कोई फील्ड लेने का इरादा था। और मेरा यानी फोर्थ ईयर फाइनल से मैंने डिसाइड किया था कि मैंने ना कार्डिक सर्जरी में जाना। अच्छा, तो सर्जरी का तो शौक बहुत है, ये बात तो कंफर्म थी कि मैंने सर्जन ही बनना है और मैंने सर्जरीज ही करनी, ये तो कन्फर्म थी बात। लेकिन ये मैंने जो है ना इसमें जो नहीं सोचा था कि मैं गाई, जब मैंने हाउस शॉप किया तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि साइमा तुम जिस मर्जी फील्ड में चली जाओ, बीइंग अ फीमेल तुम्हारी औरत तुमसे आकर ये सवाल जरूर पूछना, सवाल जरूर जरूर पूछना, बिल्कुल तुम अगर एक किसी भी टॉप स्पेशलिटी में चली जाओ तुमसे गायनी का सवाल होना जरूर जरूर होना, हमारे घर में काम वाली बिल्कुल सवाल पूछना, यही पूछना, उसका कोई जवाब नहीं। सही कह रही हो, तो तुम एटलीस्ट हाउस जॉब गायनी में कर लो। तो जब मैंने हाउस जॉब किया गायनी में तो वहां पर मैंने बाजार डेडिकेशन तो बहुत ज्यादा थी, तो मरीज आते थे बड़े सीरियस पेशेंट, जिना हॉस्पिटल में मेरा हाउस जॉब था, तो सीरियस पेशेंट्स आने, हमने भाग दौड़ करनी, ब्लड अरेंज करने, उनके लिए एफर्ट्स करनी, तो पेशेंट बच जाता और फिर एक हैप्पी एंडिंग होती थी, माँ भी बच जाती थी, बच्चा भी बच जाता था, एटलीस्ट हम माँ को बचाने में कामयाब हो जाते थे, चाहे हमें बाहर से कोई तारीफ नहीं होती थी लेकिन अंदर की सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल, प्लस देखिए एक लाइफ को दुनिया में लेके आने का एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। जब एक लाइफ से दो लाइफ बनती है ना, एक जिंदगी आती है, जो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा अच्छा फील्ड है कि इसमें देखिए कि खुशियां ज्यादा है और दुख कम है, कम है। प्लस इसमें अगर आप मरीज के लिए एफर्ट करते हैं तो मरीज बच जाता है, बिल्कुल। क्योंकि मेरा सेकेंड हाउस जो हुआ मेडिसिन, वो भी मैंने जिना में किया, वो बड़ा डिप्रेस है। उसमें ये था कि मेडिसिन में जो पेशेंट्स आते थे वो दिल फेल हो गया, गुर्दे फेल हो गए, जिगर फेल हो गया, और जितनी मर्जी एफर्ट करो आप उनके लिए जो कर,
पेशेंट नहीं बचता था। तो इतनी डेथ्स देखने के बाद में मेरे अंदर बड़ा डिप्रेशन आता है, बिल्कुल ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, नहीं है। और मुझे उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, मुझे गायनी ही करनी है। और कसम से मुझे दोबारा मौका मिला तो शायद मैं दोबारा गायनी ही चूज करूं, क्योंकि मुझे लगता कि मेरा बड़ा पैशन है गायनी करने का। और मैं बहुत डेडिकेशन और बहुत टाइम लगा के, जो मेरे पेशेंट्स हैं उस बात को वो करेंगे कि बहुत ज्यादा टाइम मैं अपने मरीज को देती हूँ और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसका जो है जो भी वो करना चाह रहा है वो करती है। और उसके अलावा मेरा पेशेंट के साथ रिलेशनशिप ट्रस्ट का बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये इसी वजह से ही होता है कि मेरी डेडिकेशन बहुत ज्यादा, बिल्कुल सही कह रही हूं। नहीं, ये तो मैंने देखा है, हैप्पी एंडिंग। तो इसके आप गवाह हैं इस बात की कि मैं कितना 12-12 घंटे भी पेशेंट के साथ, अगर इसमें कोई शक नहीं, मुझे इसमें कोई नहीं होता। और रातों को भी आना पड़े तो मुझे कोई नहीं। और उसमें ये होता है कि ये जो हैप्पी एंडिंग वाला सिलसिला है कि अगर आपका पेशेंट क्रिटिकल भी है ना, सीरियस भी, और आप मेहनत करती हैं और वो सेव हो जाता है, पेशेंट सेव हो जाता है। ये बेसिक फैक्टर था मेरा गायनी को चूज करने का। और मुझे लगता था कि यहाँ पर हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो इतनी डेडिकेशन के साथ काम। लेकिन साइमा, माशाल्लाह आपकी फैमिली भी है, बच्चियाँ भी हैं, तो बैलेंस कैसे करती हो? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। हॉस्पिटल भी जाती हो, क्लिनिक भी करती हो? फुल टाइम हॉस्पिटल है, फुल टाइम क्लिनिक है, उसमें टाइम बड़ा शॉर्ट हो जाता है। तो वीकेंड्स हम कोशिश करते हैं अपने फ्री रखें। जब पेशेंट को रिक्वेस्ट करता है कि हमारा सैटरडे संडे को सर्जरी कर दे या कुछ ऐसा, तो उनको मैं रिक्वेस्ट आगे से करती हूँ कि भाई देखो दो ही दिन मिलते हैं फैमिली के लिए, तो वो मेरी कोशिश होती है कि सर्जरी कम रखते हैं, इलेक्टिव को कम करते हैं, प्लानिंग नहीं करते। इमरजेंसी तो जाहिर है डील करते हैं, सारी गायनेकोलॉजिस्ट वाले तो कभी भी आराम से। और मुझे ये लगता है साइमा, शायद साथ साथ ना बच्चे भी और हस्बैंड भी टेम हो जाते हैं आपके साथ। हाँ, सबको थोड़ा पता लग जाता है कि आपके साथ आपकी लाइफ थोड़ी टफ है, उन्हें पता होता है इस बात का कि, लेकिन देन आप एक अच्छे पर्पस के लिए, अच्छे पर्पस के लिए काम कर रहे हैं और लोगों को आप फुल टाइम उनको अटेंशन भी दे रहे होते हैं जाहिर है। तो एक तो वीकेंड वाला सिलसिला होता है, तो कोई बाहर जाना, कहीं मिलना मिलाना, तो हम लोग भी करते हैं। अदरवाइज जो दोपहर का टाइम होता है वो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों के साथ गुजारूं। इस सारे इसमें ये होता है कि आपकी अपनी हेल्थ अफेक्ट होती है, आप तो अपने आराम के लिए स्लीपलेस हो जाते हैं, ये टाइम कम हो जाता है आपका। आप बहुत ज्यादा लेविश लाइफ नहीं गुजार सकते कि आप साथ जा रहे हो, बिल्कुल बहुत योगा एक्सरसाइज इसके लिए टाइम निकाल है, लेकिन हाँ आप फैमिली को टाइम दे सकते हैं उतना वो हो जाता है, सेटिस्फाइड रहते हैं फैमिली वाले भी। चलें, ये तो बहुत अच्छा आपने बताया। फ्यूचर में क्या क्या प्लानिंग सोचती हैं? अच्छा, इसमें ये होता है कि मेरा ये ख्याल है कि जो डॉक्टर है ना, उसकी लर्निंग कभी खत्म। ये तो है, इससे तो आप भी एग्री करोगे कि आप हमेशा नए से नए लेटेस्ट काम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपग्रेड रहो। यही आपका प्रोफेशनल बिहेवियर, बिल्कुल ऐसे ही कि आप अपने आप को इतना इंप्रूव कर लो कि उसका बेनिफिट आपके पेशेंट को होना चाहिए। बिल्कुल, तो डेफिनेटली मेरी साथ साथ लर्निंग तो साथ साथ रहती है। मैंने अभी मास्टर्स किया जो है हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन में, उसके अलावा फेलोशिप की कॉस्मेटिक गायनी है, जिस डेफिनेटली हमारी बड़ी इश्यूज है खवातीन के, तो उनके लिए तो कोई ना कोई लर्निंग का मेरा जो है ना सिलसिला चलता रहता है। लैप्रोस्कोपी पे अब काफी हो रहा है, इसके ऊपर काम की की होल सर्जरी जो है वो उसको प्रेफर किया जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराया जाए। और इसके अलावा जितनी भी आगे इनोवेशंस होती हैं, जो जो कोई नया कोर्स आता है, क्योंकि हम लोग जिना हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, आपको पता है टीचिंग है हॉस्पिटल है, तो जो जो नई चीजें आती हैं उससे हम लोग अपने आप को जो है अटैच करते हैं, अटैच करते हैं। चलें, थैंक यू सो मच साइमा, आपने टाइम दिया, आपने लोगों को बताया कि आप कितनी एफर्ट और कितने हार्ड वर्क के साथ यहाँ पहुँची हैं। सो थैंक यू सो मच एंड वेरी वेरी गुड विशेस फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच।